हाय है गैजाम निशान सर वेलकम बैक टू द चैनल तो और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे कोर्सेज के बारे में जिनसे तुम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम पढ़ सकते हो एक जो कोर्स है वो तुम्हारे लब्बर भैया ने बनाया हुआ है और जो दूसरा कोर्स है वो तुम्हारा हारी भैया ने बनाया हुआ ठीक है? है ठीक है दोनों काफ़ी अमेजिंग है ठीक है दोनों ने काफ़ी लाइक मस्त मस्त कोर्सेज बनाए हुए हैं दोनों ने काफी अमेजिंग like, काम किए हुए हैं वी आर जस्ट कंपेयरिंग टू ऑप्शंस अगर तुम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तुम्हें लाइक like, सी प्लस प्लस सी डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़ना है तो विच वन वुड बी अ बेटर चॉइस फॉर यू गाइज सो जस्ट टू मेक योर लाइफ अ बिट ईजियर ये वाली वीडियो हम बना रहे हैं तो इसमें हम प्रोज एंड कॉन्स दोनों डिस्कस करेंगे फाइनल वर्ड इक्ट इज योर जो तुम्हें जिसके लाइक प्रोज ज़्यादा अच्छे लगे जिसके कॉन्स थोड़े कम लगे वो तुम चूज कर सकते हो एंड बस बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो अब एक एक करके दोनों पे जाएंगे ठीक है पहले हम बात करते हैं कोड हेल्प कोड हेल्प वाला जो हमारा डी का कोर्स है उसके बारे में तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल द कोर्स इज रियली अमेजिंग मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी हैं मेरे को तो काफ़ी सारी वीडियोज़ काफ़ी अच्छी लगी हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाया हुआ है एंड मतलब ये सारे उनके प्रो प्रोज ही हैं ठीक है तुम्हें बिल्कुल स्क्रैच से लेकर सिखाई हुई ये चीज़ें तुम्हें स्क्रैच से कि कैसे तुम एक लाइक like, सब चीज़ें इंस्टॉल कैसे कर सकते हो तुम्हें सब कुछ बताया हुआ है कि एग्जैक्टली फ्लो चार्ट्स वगैरह क्या होते हैं फ्लो चार्ट से लेके तुम्हें डी तक पढ़ाया हुआ है तो तुम देख सकते हो कि सारी चीज़ें कवर्ड है रिकर्जन बैक ट्रैकिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग ग्राफ्स डीपी वाली सीरीज अभी ऑन गोइंग है ठीक है बट काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी सही चल रही हैं सो कूडोज ऑन दैट प्लस दिस इज़ अ फ्री कोर्स तुम्हें इतना सारा कॉन्टेंट फ्री में और कहीं तो नहीं है एज सच डी एस ए रिलेटेड एटलीस्ट है मतलब और भी जगह है बट ऐसे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में नहीं है एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग तुम्हें एट से जेड तक तो नहीं अभी चीज़ें ऑन गोइंग हैं थोड़ी थोड़ी बट एक काफ़ी अच्छे पॉइंट तक तुम्हें ले जा खड़ा कर दिया है फ्रॉम स्टार्ट तो ये हो गई हमारे कोर्स कंटेंट की बात प्लस जो इसमें क्लेम किया गया है कि दिस इज़ गुड फॉर योर इंटरव्यू प्रिपरेशन आई रियली सपोर्ट दैट क्योंकि इसमें क्वेश्चंस तुम्हें काफ़ी ज़्यादा करवाए गए हैं तुम्हें हर टॉपिक पे काफ़ी क्वेश्चंस कराए गए हैं कुछ तुम्हें खुद भी प्रैक्टिस करने चाहिए तो मैं हर लाइक like, टॉपिक पे काफ़ी डिटेल्ड चीज़ें मिल जाती हैं जो कि काफ़ी सही है प्लस यार इनकी ना एक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी भी है अगर तुम लोगों ने ज्वाइन नहीं कर रखी हो तो वो तुम उनके चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो एंड ज्वाइन कर सकते हो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग जिससे तुम्हें लाइक माइंडेड पीपल का एक्सेस मिल जाता है तुम उनसे डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो उनके साथ बैठ के काम वगैरह कर सकते हो उनके उनसे चीज़ें सीख सकते हो तुम्हें कुछ डाउट आ रहा है तो उन्हें कम्यूनिटी पे डाल दिया वहां से उनका रिवर्ट आ गया एंड कोर्सेज मोस्टली कंप्लीट दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग सो ये तुम्हारे कुछ कुछ प्रोज हो गए जो इन्होंने प्रॉमिस किया था वो डिलीवर किया है सो वेरी गुड यार मतलब काफ़ी सही काफ़ी सही अब कॉन्स में आ जाते हैं तो कॉन्स में यार अभी जो डी सीरीज़ है वो ऑन गोइंग है एंड वो काफ़ी टाइम से चले ही चले ही जा रही है चले ही जा रही है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है डी सीरीज में नो डाउट बट या मतलब इट शुड एंड सून एंड आई थिंक इट विल एंड सून क्योंकि मैंने उनसे बात करी थी वो भी इस पर काम कर रहे हैं तो हो जाएगा सेकेंड चीज़ इस कि ग्राफ्स में थोड़े से क्वेश्चन कम है एज़ कम्पेयर टू और टॉपिक्स ग्राफ में क्वेश्चन की थोड़ी सी कमी लगी मेरे को जो वो इम्प्रूव कर सकते हैं दिस कोर्स इज ऑन गोइंग वो और ग्राफ के क्वेश्चन एड कर सकते हैं एंड दैट वुडेंट बी अ प्रॉब्लम सो ये तुम्हारे दो कॉन्स हो गए तो यार मैं ना भी अपनी डे डेली लाइफ वाली वीडियो एडिट कर रहा था एंड मुझसे गलती से कुछ क्लिप्स डिलीट हो गई को रिकवर करने की जरूरत थी सो आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर समथिंग जिससे वो जो फाइल्स हैं वो रिकवर हो जाए सो आई फाउंड एन ऐप जिससे तुम ये काम कर सकते हो एंड उसका नाम है रिकवर इट एंड इट इज माई वंडर शेयर तो आई विल जस्ट गो थ्रू द स्टेप्स कैसे तुम अपनी फाइल्स वगैरह को रिकवर कर सकते हो तो यार तुम्हें बस इस वेबसाइट पे जाना है वेबसाइट पे जाने के बाद तुम्हें फ्री डाउनलोड पे क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है ये अपना वंडर शेयर का इट मैंने पहले से कर लिया था उसके बाद क्या करना है जिस एक्सटर्नल ड्राइव पे तुम्हें जाके लाइक चीजें रिकवर करनी है उसको तुम स्कैन पे लगा देना है फाइनली बस तुम्हें जो क्या करना होता है थर्ड स्टेप में अपने जो वीडियो तुम्हें रिकवर करने वो रिकवर कर सकते हो जब तक ये स्कैन हो रहा में तुम्हें बता देता इसमें देतेउजेंड प्लस तुम फाइल फॉर्मेट्स को कवर वगैरह कर सकते हो 2000 से ज़्यादा स्टोरेज डिवाइसेस इस पर लाइक कंपैटिबल है एंड 500 से ज़्यादा सिनारी वर्क करते हैं जो उसका और रिकवरी रेट है वो तुम्हारा 95 परसेंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है तो स्कैन कंप्लीट हो चुका है 78 फाइल्स मिल गए हमें अब हम क्या करेंगे जाएंगे और इसमें से हमारी काफ़ी सारी फाइल्स डिलीट हो गई थी जैस एज यू कैन सी तुम देखोगे यहाँ पर कितनी कम फाइल्स हैं तो आज यू कैन सी ये वाली फाइल हमारी डिलीट हो चुकी थी तो, तो हम इस पर रिकवर पर क्लिक करेंगे और हमें लोकेशन बोलेगा सेव करने के लिए और बस सेव कर देंगे हमारी फाइल रिकवर हो गई है आज यू कैन सी हमें हमारी वो वाली फाइल मिल गई है जो डिलीट हो चुकी थी राइट सो यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब वापस अपनी वीडियो पे चलते हैं एंड कुछ कुछ वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हैं ठीक है तो वो अटेंशन स्पैन ग्राप करके रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बट या अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा लंबी वीडियोज से तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं यार बस तुम एक 40 मिनट 50 मिनट एक घंटे तक अगर एक साथ बैठ सकते हो तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग बट या जो एवरेज लेंथ ऑफ वीडियोज़ है वो 25 30 मिनट की है ही एंड कुछ कुछ वीडियोज़ एक एक डेढ़ डेढ़ दे घंटे तक भी हैं तो उनको बनाने में कितना ज़्यादा एफर्ट लगे लगा होगा वो मेरे को पता है बट इट कुड हैव बीन लाइक ब्रोकन इन टू पार्ट्स ताकि थोड़ा सा ईजी रहे बट ठीक है मतलब इट्स नॉट अ बैड थिंग बट हाँ अगर इम्प्रूव करना हो तो ये चीज़ इम्प्रूव करी जा सकती है नेक्स्ट अगर वो कोई कोर्स बनाए तो जो थोड़ी क्रिस्प वीडियोज़ होती हैं थोड़ा अच्छा रहता है बट ठीक है बढ़िया तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है एंड कुछ कुछ चीज़ों में कुछ कुछ क्वेश्चन में थोड़ी स्पून फीडिंग ज़्यादा है क्योंकि मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उनका कोर्स पढ़ा उनसे पूछा तो वो यही कहते हैं कि भैया बहुत ही ज़्यादा स्पून फीडिंग करी हुई है कुछ क्वेश्चन में भैया ने बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ा दिया है कुछ कुछ चीज़ें सोचने के लिए भी छोड़ देनी चाहिए बट हाँ अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो बहुत बढ़िया अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है खुद ट्राई करने का मन है तो वीडियो स्किप करके तुम खुद भी ट्राई कर सकते हो एंड दैट इज नॉट अ कॉन आज सच बट हाँ ये एक रिव्यू मिला था मेरे को काफी स्टूडेंट्स जिन से जिनसे मैंने बात करी तो ये भी तुम्हारे सामने मैं लाना चाह रहा था सैकेंड हम आ जाते हैं कोड विद हारी पे अब कोड विद हारी लाइक उनकी भी एक सी प्लस प्लस सी वाली एक डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज़ है जिनमें उन्होंने स्टार्टिंग में ये क्लेम किया है कि दिस विल हेल्प यू गेट इंटरव्यूज क्रैक तो वो मेरे को एक चीज़ थोड़ी बढ़िया नहीं लगी क्योंकि उसमें उन्होंने काफ़ी सारे टॉपिक्स मिस करे हुए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वो इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं सो so, यहाँ पे जो मैं सीरीज़ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे आ रही होगी तो यार इस सीरीज़ में डीपी एंड मतलब डीपी नहीं है ठीक है बैक ट्रैकिंग नहीं है तुम्हारा रिकर्जन भी नहीं है एंड दीज टॉपिक्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू परसपेक्टिव तो अगर तुम लाइक इंटरव्यू परस्पेक्टिव से जा जाके पढ़ना चाहते हो तो आई वुड नॉट रिकमेंड दिस सीरीज़ तुम कोड हेल्प वाली सीरीज जाके देख सकते हो दैट इज़ वेरी गुड एंड रिकर्जन बैक ट्रैकिंग वगैरह पढ़ना है तुम कोड इन टेन पर भी जाके पढ़ सकते हो मैंने अभी काफी अच्छे से पढ़ाया हुआ है पहले कॉन्स की बात कर रहे हैं हम तो प्रोज भी हैं इसमें काफी सारे बट अब कौन से स्टार्ट किया है तो एक और कौन ये है कि यार इसमें ना क्वेश्चन काफी कम करवाए गए हैं एज कंपेयर टू कोड हेल्प अगर तुम देखोगे यहाँ पर क्वेश्चन की क्वान्टिटी काफी ज्यादा है यहाँ पर क्वेश्चन काफी कम करवाए गए एंड मोस्टली बेसिक बेसिक चीजों के अराउंड ही तुम्हें सिखाया गया है तो ये एक थोड़ा मिसिंग है कि अगर थोड़े क्वेश्चन और ज़्यादा होते टॉपिक्स पे जो एक्चुअली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं तो ये एक इंटरव्यू स्पेसिफिक तुम्हारा कोर्स हो सकता था बट अभी ये थोड़ा इंटरव्यू स्पेसिफिक नहीं है सो दीज आर द कॉन्स मेजरली ठीक है कुछ टॉपिक्स मिसिंग है थोड़े क्वेश्चन वगैरह कम है एंड मोस्टली यही है और तुम्हारा प्लेसमेंट ओरिएटेड इतना नहीं है जितना वो मार्केट किया फर्स्ट वीडियो में तो ये है और ये सारे रिव्यूज़ हैं फ्रॉम स्टूडेंट्स मैंने कुछ कुछ वीडियोज़ देखे हैं सारी तो मैंने नहीं, नहीं देखी ऑनेस्टली बट ये जो रिव्यू मेरे को मिला वो मैं तुम्हें पास ऑन कर रहा हूँ ताकि तुम अपना डिसीजन ले सको नेक्स्ट जो आते हैं वो तुम्हारे प्रोज हैं प्रोज इसमें काफ़ी ज़्यादा है अगर तुम कॉलेज के लिए पढ़ रहे हो कॉलेज के लिए तुम्हें डी पढ़ना है कॉलेज के लिए तुम्हें एग्जाम के लिए चीज़ें पढ़नी है तो दिस इज अ वेरी गुड कोर्स तुम डेफिनेटली जाके इसको देख सकते हो कॉलेज लेवल तुम्हारे एग्जाम्स में बहुत तगड़े नंबर आ जाएंगे ठीक है वहां को कुछ तुम्हें दिक्कत नहीं होने वाली है इसके अलावा जो जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन एंड नो डाउट उनका पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा है तो पढ़ाते बहुत बढ़िया है ठीक है जब भी वो आज जहाँ पे है वहाँ पे हैं क्योंकि वो पढ़ाते बहुत सही है तो उसमें कोई डाउट नहीं है नेक्स्ट थिंग इज़ कि उन्होंने हर टॉपिक के नोट्स भी साथ साथ प्रोवाइड करे गए हैं तो अगर तुम्हें बाद में स्किम थ्रू करना है एग्ज़ाम से पहले कॉलेज के लिए तो तुम स्किम थ्रू काफ़ी अच्छे से कर सकते हो जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है एंड फाइनली जिस वे में उन्होंने पढ़ाया गया है वो काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड है ठीक है तुम काफ़ी आराम से समझ पाते हो टॉपिक्स को चीज़ों को जो कि काफ़ी सही है सो so, ये दोनों कोर्सेज़ के कुछ प्रोज एंड कॉन्स थे अब फाइनल डिसीजन इज योर्स तुम किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अगर तुम कॉलेज के लिए ही पढ़ रहे हो तुम्हें एग्जाम ही निकालना है तो चॉइस इज योर्स कम एज़ कम्पेयर टू कोड हेल्प वाला कोर्स कोडविधारी का कोर्स कॉन्टेंट कम है तुम जल्दी पढ़ सकते हो उसको तुम्हें नोट्स मिल जाते हैं ऑन द अदर हैंड जो कोड uh, हेल्प वाला है अपना उसमें वीडियोस बहुत सारी हैं वीडियोस काफ़ी लंबी भी हैं तो तुम्हें करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा बट अगर तुम प्लेसमेंट्स के लिए प्रेप कर रहे हो तो देट वुड बे बेटर चॉइस बिकॉज वहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा है तुम्हें इंप्लीमेंटेशन काफ़ी अच्छे से सीखने को मिल रही होगी बट टाइम एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंड इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं तुम्हारे पास तुम टेक यू फॉरवर्ड एक चैनल है स्ट्राइवर का उस पर जाके तुम कर सकते हो कोड इन टेन अपना उस पर तुम जाके कर सकते हो इसके अलावा बहुत सारे और रिसोर्सेज एक मैंने वीडियो बनाई थी कि तुम कहाँ से फ्री में डी वगैरह पढ़ सकते हो वो तुम्हें मिल जाएगी यहाँ पे थमने ला रहा होगा आई बटन पर लिंक होगा तुम जाके चेकआउट कर सकते हो सो so, इतना तैयार है इस वाली वीडियो में इसमें किसी को ऐसे डीफेम या कुछ करने का नहीं था बस एक सिंपल कम्पेजन था प्रोज एंड कॉन्स तुम्हारे सामने रख दिए बाकी जो तुम्हें सही लगे तुम वो कर सकते हो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी तुम्हें कुछ इनफॉर्मेशन इस वीडियो से मिली होगी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में तब तक के लिए